हेलो गाइस, तो आज की वीडियो का टॉपिक है ये ब्यूटीफुल सा एलिगेंट सा प्लांट पिटूनिया, जो मतलब कि विंटर का किंग ही माना जाता है। हर घर में तकरीबन होता ही ये प्लांट, बिकॉज काफ़ी इजी टू ग्रो है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक फ्लावर्स निकालता है और काफ़ी लार्ज अमाउंट में निकालता है। मेन हर नर्सरी में ही आपको ये पिटूनिया तो मिल ही जाता है, और दूसरे प्लांट्स मिले ना मिले, क्योंकि ये मेन प्लांट है सर्दियों का। और इतने कलर वेरिएशंस हैं, 5-6 तो मेरे पास हैं, और उनमें से एक जो डबल टोन का था वो वाला प्लांट मेरा ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो गया। तो इसका देख रहे हैं, जैसे कि जो न्यू बर्डिंग होती है वो इतनी डार्क प्लम कलर की, देख रहे हैं कितना प्यारा, और जैसे खिलता है तो थोड़ा लाइटर टोन में आता है। सबसे स्टार्टिंग ऐसे बिल्कुल डार्क पर्पल, फिर उससे भी थोड़ा सा कम डार्क, उसके बाद में ऐसे। तो देखने कितने ज़्यादा इसमें बडिंग हो रही है, यहाँ से बर्ड्स बन रहे हैं, जितनी भी इसकी मतलब टिप्स है ना ब्रांचेस की, सभी में बडिंग हो रही है प्रॉपर, और काफ़ी बुशी हो गया। ये 7-8 इंच की पॉट में है, और जो भी एक्स्ट्रा इसमें हो जाते हैं प्लांट लीड्स वगैरह, उनको टाइमली निकालते रहना चाहिए। और नीचे की लीव्स मैंने इसकी हफ्ता पहले सारी मैंने इसकी पिंच कर दी थी, जो भी मतलब कि थोड़ा पानी वगैरह लग जाता है, गलने लग जाती है नीचे के लीव्स जो सोइल को टच करती हैं, तो सारी निकालती रहती हूँ टाइमली में। और ये देख रहे हैं ये जो फ्लावर है ये हफ्ता का रहता है, मतलब कि अगर ज़्यादा धूप में पड़ा रहता है तो मुरझा भी जाता है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा तीखी धूप नहीं होती है तो हफ्ता का रहता है ये प्लांट फ्लावर। और काफ़ी नीचे से भी ब्रांचेस निकलती ही रहती हैं, और इसको प्रोपोगेशन मेथड भी बहुत ही ईजी है, बस जस्ट इसकी कटिंग लो और लगा लीजिए। लेकिन इतनी मतलब कि बडिंग हुई होती है तो लगाने का मन नहीं करता, लेकिन इजी है प्रोपोगेट करना, सीड से ग्रो करना है बहुत ही ईजी है। और वाटरिंग एज़ पर आप सोइल को चेक कीजिए और फिर देखिए कितने की वाटर की रिक्वायरमेंट है और कितनी धूप आती है आपके एरिए में, आपकी जैसे कहाँ भी लगाया हुआ है आपने। अगर गार्डन में मतलब कि डायरेक्ट गार्डन में आपने लगाया हुआ है ग्राउंड में, तो फिर तो चाहे पानी कम ज़्यादा हो चल जाता है, लेकिन पॉट में हमें इन चीज़ों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है, और काफ़ी फूल और निकलेंगे। लेकिन फर्टिलाइज़र वगैरह मतलब कि जब मैंने ये वाले उगाए थे लाए थे, मतलब कि हो गया मुझे महीना ही हो गया इनको, मतलब कंपोस्ट वगैरह दी हुई वर्मी कंपोस्ट, उसके बाद मैंने नहीं दी। जैसे अब देख ही रहे हैं, अब इतनी नहीं दिख रही, ऊपर से सोइल ही रह गई, उसका कलर नीचे को चला गया सारा वर्मी कंपोस्ट का। और एक तो दिन में मैं ऐसे दूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी हैवी फ्लावरिंग पे आ गया, ये हर टहनी पे ऊपर से बर्ड्स बन रहे हैं, 2-2, 3-3 ऊपर से टिप्स पे ना, जैसे कि ये इसके साथ ही ये वाला बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो प्यारा भी बहुत ही है। ये कलर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, पर्पल सबसे प्यारा यही है, इसलिए मैं इसी को उठा के अंदर लेके आई हूँ, क्योंकि बाहर ना ट्रैफिक की आवाज़ बहुत आती है, तो इसको मैं एक पॉट को छोटे वाले को उठा के ले आई हूँ। देखने कितना प्यारा है, और अंदर इसके सीड्स बन जाते हैं। और अगर हम टाइमली इनके ना जो भी स्पेंट फ्लावर्स होते हैं उनको कट ऑफ करते रहते हैं, तो उसी टहनी पे 3-4 और, जैसे कि पता ही है, एक ऊपर से हम टिप काटेंगे जो पिंचिंग या हम जिसे प्रूनिंग कहते हैं, तो उससे और ज़्यादा टहनियाँ निकलती हैं। वही सेम प्रोसीजर इन विंटर सीज़न के फ्लावर्स में, अगर हम ऊपर से इसकी थोड़ी सी जैसे पिंच करेंगे इसको, जैसे यहाँ से निकला है तो हम यहाँ से काट देंगे नीचे से, तो यहाँ से 3-4 और न्यू शूट्स निकलेंगी, जो 10-15 दिन में रेडी हो जाती हैं फ्लावरिंग के लिए। और कंपोस्ट वगैरह इनको चाहिए होती है, अगर ना भी दोगे तब भी ये तो फ्लावर निकालेंगे, क्योंकि 2-3 महीने का इनका पीरियड होता है, फ्लावर फिर भी निकालेंगे। अगर आप दोगे तो थोड़ा सा ऐसे थोड़े लंबे पीरियड तक देंगे, और थोड़ा सा बंचेस में ज़्यादा देंगे, बस ये डिफरेंस आ जाता है। और सनलाइट प्रोवाइड कीजिए इनको, और देखने में तो खूबसूरत आपको लग ही रहा है, कितना ज़्यादा प्यारा है। और जो भी इसके पत्ते ना जो नीचे लगते हैं वो आपको निकालने ही पड़ेंगे, नहीं तो वो ना प्लांट ख़राब ही हो जाता है, कई बार फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है जो सोइल पे लगते हैं, क्योंकि काफ़ी देख रहे हैं नीचे से कितना बुशी होता है, नीचे से टहनियाँ निकालता रहता है, लेकिन जो पुराने मैच्योर पत्ते होते हैं उनको आप साथ के साथ निकालते रहा करो, फिर ना वो हवा का फ्लो बना रहता है तो फंगस वगैरह का अटैक कम होता है, ये हो जाता है इसमें। और पिटूनिया है, वर्बिना है, ये सारे प्लांट, अब बिगोनिया बहुत ही प्यारा लगता है, इतने फ्लावरिंग पे आया हुआ है मेरे वाला प्लांट भी, और क्रिसेंथेमम की छोटी वाली ड्रॉप वाली वैरायटी लगाई है इस बार मैंने, वो भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। और सालविया के सिर्फ रेड कलर के फ्लावर्स आए हैं, दूसरे अभी तक आ नहीं रहे, डॉग फ्लावर को मेरी आँखें तरस गई हैं देखने को कब निकलेंगे, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा टाइम लिया, काफ़ी लंबे टाइम से लगाए हुए हैं,
उन्होंने भी काफ़ी टाइम ले लिया। डायंथस पूरा फूलों से भरा हुआ है, कार्नेशन में फूल आ जाते हैं, रुक जाता है, इस बार ऐसे ही हो रहा है। और जो डोरमेंसी वाले प्लांट्स हैं, जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि भी आप केयर करते रहिए, उन्हीं के पॉट में आप सीजनल प्लांट्स लगा दीजिए कि उनकी केयर भी साथ साथ होती रहे, कि आपकी नज़र में आता रहे कुछ उनमें फंगस अटैक वगैरह या कुछ भी पेस्ट वगैरह तो नहीं आ गए, तो उनमें आप थोड़े सीजनल जो कि 2-4 महीने की लाइफ होती है जिन प्लांट्स की, तो वो वाले लगा दीजिए उसी पॉट्स में, तो वो अच्छा रहता है। ओके गाइस, ये थी पिटोनिया के ऊपर। तो काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, चाहे आप इसको खाद वगैरह दें ना दें, लेकिन फिर भी चलता है, ये लंबा चलता है, ये मार्च अप्रैल तक काफ़ी फूल निकालेगा अभी। ओके गाइस, अगर आपको हमारी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। तो जल्दी मिलते हैं ऐसी और सीजनल वीडियोज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।